बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू नईमसी वर्चुअल एकेडमी। दिस इज़ इंग्लिश इंस्ट्रक्टर इमरान अब्बासी। अच्छा दोस्तों, नईमसी वर्चुअल एकेडमी जे तरफ़ा HST SST जॉब प्रिपरेशन जी अनाउंसमेंट थी चुकी है। ठीक आ, हाने HST SST जॉब्स जेके माना इंशाल्लाह विद इन वन जेको आ सो मंथ में अनाउंस थी वेंदियूं, ऐं इंशाल्लाह उम्मीद आहे त जल्दी बि उन्हनि जो जेको आहे टेस्ट वरिती वेंदियूं। उन जी तयारी हाणे सां करण ई माना हिकिड़ो सुठो फ़ैसिलो हूंदो आहे। नई मिस्टर अकेडमी तरफ़ां हिकिड़ो बहितरीन फ़ैसिलो रखियो वियो आहे त उहे जेको आहे सो HST यानी SST जेका तक़रीबन BPS 16 जी जॉब आहे, बहितरीन जॉब आहे। माना पढ़ण पढ़ाइण जे हिसाब सां ऐं जेको आहे सो पंहिंजी लाइफ स्टाइल जे हिसाब सां बि बहितरीन जॉब आहे सिंध गवर्नमेंट जे तरफ़ो, माना जेको आहे सो अनाउंस थींदी आहे। ठीकु आहे, हाणे उनजे हवाले सां तक़रीबन 6-7 पोर्शन आहिनि उन टेस्ट जा। ठीकु आहे, जंहिंमें मैथ्स आहे, इंग्लिश आहे, GK आहे ऐं कुझु स्पेशल ब्रांचेस आहिनि माना जनरल नॉलेज आहे। ठीकु आहे, उनमें कुझु करंट अफेयर्स बि थी सघे थो, माना जनरल नॉलेज जे अंदरि पुछी सघनि था। हाणे जेको इंग्लिश जो सिलेबस आहे नईमसी वर्चुअल अकेडमी तरफ़ां जेको पाण इंग्लिश जो पोर्शन क्लियर कंदासीं, हाणे उहे 11 टॉपिक आहिनि माना 12 जेको आहे सो प्रैक्टिस आहे उहे असां क्लियर कंदासीं। हाणे मां तारीफ़ ॿुधाईंदुमि त इन जेको आहे सो कोर्स जे अंदरि असां कहिड़ियूं शयूं क्लियर कंदासीं, कहिड़े तरीक़े सां क्लियर कंदासीं, ऐं इहो असांजो घणे हद ताईं, घणे असांजे एक्सटेंड ताईं असां लाइ फ़ाइदेमंद साबित थींदो। जेकॾहिं तव्हां हिन जो सिलेबस ॾिसंदो न त इंग्लिश पोर्शन जो 20% मतिलबु इंग्लिश पोर्शन जो हिसो ॾिनल आहे, जो इहो मतिलबु आहे त 20% मतिलबु 100 मां जेको आहे 20 सवाल इंग्लिश जा हूंदा। ठीकु आहे, हाणे इंग्लिश जा जेके आम तौर ते सवालात पुछिया वेंदा आहिनि, तव्हां जेका बि टेस्ट खणो ख़ासि तौर ते, उहे हिन टॉपिक्स मां हूंदा आहिनि। ठीकु आहे, अगरि हे तव्हांजे टॉपिक्स जनरली तौर ते क्लियर आहिनि, ठीकु आहे, त पोइ तव्हां HST SST जॉब जी प्रिपरेशन तव्हां लाइ को वॾो मसइलो नथो थी सघे। ठीकु आहे, त इन हवाले सां असां हाणे शुरू कंदासीं बाक़ाइदगी सां, त असां जेको आहे सो कहिड़े तरीक़े सां कहिड़ा टॉपिक पढ़ंदासीं। सभु खां पहिरियां ऐं सभु खां अवल जेको आहे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो टॉपिक जेको आहे सो सरे फ़हिरिस्त आहे। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन तव्हांखे आमतौर ते ख़बर हूंदी त कंहिं टेक्स्ट खे पढ़ी करे असां सम्झंदा आहियूं ऐं उनखे इंटरप्रेट कंदा आहियूं ऐं डिसाइफर कंदा आहियूं त माना के छा जेको राइटर आहे हुनजो उन छा चयो आहे, ऐं असांखां बाद में उन खां सवालात पुछिया वेंदा आहिनि। ठीकु आहे, त उहे असां हुनजा जवाबात असांखे ॾियणा हूंदा आहिनि। हाणे ॾिसो नाज़रीन, जेको आहे सो हिन में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में जेके सवाल पुछिया वेंदा आहिनि उहे ॿिनि तरीक़नि जा हूंदा आहिनि। ठीकु आहे, हिकिड़ा त हूंदा आहिनि MCQ सवाल हूंदा आहिनि। ठीकु आहे, MCQ सवाल, ॿिया हूंदा आहिनि ऑब्जेक्टिव। ठीकु आहे, मिसाल तौर ते कोई बि माना जेको आहे सो रीडिंग पैसेज आहे, फॉर एग्ज़ाम्पल अलामा इक़बाल आहे, अलामा इक़बाल जेको पैकेज, अलामा इक़बाल मां तॾहिं थो चवां जो 9 नवंबर इक़बाल डे आहे। ठीकु आहे, अलामा इक़बाल ते को हिकिड़ो माना पैराग्राफ यानी को हिकिड़ो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखियल उहो तव्हांखे ॾींदा, कॾहिं हिकु पैराग्राफ हूंदो आहे, कॾहिं ॿ पैराग्राफ हूंदा आहिनि, पोइ ख़ासि तौर ते तव्हां जंहिंजी मालूमात, इन जी पोइटिक करियर सभु कुझु ॿुधाईंदा, पोइ तव्हां को इहो पुछण जी कोशिशि कंदा, ॾिसण जी कोशिशि कंदा छा जेको असां तव्हांखे लिखी ॾिनो आहे तव्हां सम्झो आहे, केतिरो सम्झो आहे, कीअं सम्झो आहे, उन में अहिड़ा क़िस्म जा सवाल हूंदा। MCQs पुछंदा, ऑप्शन उन्हनि जा ॾिनल हूंदा या पोइ ऑब्जेक्टिव हूंदा। हाणे जेको हिन में HST ऐं SST में जेके माना जेको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ईंदी उहा MCQs जी ईंदी, माना जेके तव्हांखे पैसेज ॾींदा त 5 या 6 सवाल तव्हांखां पुछंदा, जेके माना मिसाल तौर ते उनजा जवाब ॾिनल हूंदा, पोइ तव्हांखे हिकिड़ो सिलेक्ट करिणो पवंदो। हाणे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ॿियूं जेके मुख़्तलिफ़ ट्रिक्स थींदियूं आहिनि जी मां तव्हांखे ॿुधायां त उहे बि पाण क्लियर कंदासीं। जीअं हिकिड़ा रीडिंग ट्रिक थींदी आहे न बाबा, माना SQ4R चार्ज थींदो आहे। ठीकु आहे, SQ4R दुनिया में हिकिड़ो बहितरीन रीडिंग जो बि रीडिंग ट्रिक आहे। ठीकु आहे, जंहिंमें असां पढ़ंदा आहियूं एस स्टैंड्स फॉर सर्वे। ठीकु आहे, तव्हां पहिरियों टेक्स्ट जी सर्वे कंदा, पोइ रीड कंदा, पढ़ंदा, सम्झंदा, पोइ उन ते रिफ्लेक्ट कंदा। ठीकु आहे, रिफ्लेक्ट करण खां पोइ तव्हां उनखे जेको आहे सो छा कंदा आहियो, रिसाइट एंड रिव्यू कंदा। ठीकु आहे, माना SQ, ठीकु आहे, क्वेश्चन, क्यू स्टैंड्स फॉर क्वेश्चन, सॉरी, क्वेश्चन कंदा आहियो। ठीकु आहे, क्वेश्चन खां पोइ रीड, आर माना चार जेके आर, उहो रीड खे, रिफ्लेक्ट खे, रिसाइट ऐं रिव्यू खे माना आइडेंटिफाई कंदा आहिनि। पोइ उनमें असां ॾिसंदासीं स्कीमिंग छा हूंदो आहे, स्कीमिंग असां कीअं कंदा आहियूं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में स्कैनिंग कीअं कंदा आहियूं। ठीकु आहे, इहे सॼियूं ट्रिक्स असां, एक्सटेंसिव रीडिंग छा हूंदी आहे, इंटेंसिव रीडिंग, इहे शयूं असां रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में असां क्लियर कंदासीं। ठीकु आहे, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स हर टेस्ट जी सूंह हूंदी आहे, माना उहे माना हमेशह ईंदा रहंदा आहिनि। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स खे असां बाक़ाइदे तौर ते कवर कंदासीं, उनजा तव्हांखे असां डॉक्यूमेंट्स यानी PDF फाइल बि मोकिलींदासीं ऐं वीडियो जे थ्रू तव्हां को जेके मोस्ट रिपीटेड तक़रीबन 90 एडजेक्टिव्स आहिनि, ठीकु आहे, उनमें कुझु 50 मोस्ट रिपीटेड वर्ब्स आहिनि ऐं नाउन्स आहिनि, ऐं 50 जेको आहे मोस्ट रिपीटेड नाउन्स आहिनि उहे तव्हांजा क्लियर कराईंदासीं। ईअं न त माना जेको आहे तव्हांजा असां 90 सिर्फ़ु एडजेक्टिव्स क्लियर कराईंदासीं, उन सां रिलेटेड जेके बि एडजेक्टिव्स आहिनि ऐं उनजी मीनिंग सां तव्हां असांखे क्लियर कराईंदासीं, जीअं तव्हां टेस्ट में माना आसानी बा आसानी तव्हां उनखे कवर करे सघो। ऐं 50 इन तरीक़े सां असां उन सां तव्हांजा माना सिनोनिम्स आहिनि एंटोनिम्स बि एट द सेम टाइम तव्हांखे ॿुधाईंदा रहंदासीं।
उनमें असा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन छो हाँ जो 16 ग्रेड की जॉब होंगी उनमें जो तो इनका जो बिलो होंद 14 ग्रेड की जॉब से उनमें सिंपल माना आम तौर पर माना सवाल पुछदा मिसाल तौर पर एवरेस्ट आ फॉर एग्जाम्पल इनको मकसद छा है ठीक है क्यूपिडिटी आ फॉर एग्जाम्पल क्यूपिडिटी तो इनको मतलब छा है ये माना नॉर्मल सवाल नॉर्मल जो वर्ड्स पुछदा लेकिन 16 ग्रेड में तमाम टफ सवाल पुछदा ठीक है मिसाल तुछदा माना जो सो कोई भी सवाल पुछी सकनता तो वुलनरेबल पुछी सकनता वुलनरेबल की माना बुधा माना वर्ड सब्स्टिट्यूशन वो हूँ एक वर्ड जैसे माना काफ़ी माना जुमलन जो पूरे जुमले में असा उनकी माना बुधा सकूँ उनको कोई वर्ड न हो मीनिंग उन इडियम्स फ्रेजर वर्ब्स भी पा गो गुड क्लियर कर ठीक है। हाँ दोस्तों असा चूं था सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के हिसाब से ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब की मैं बुधा छा सब्जेक्ट हों को भी असा सेंटेंस के स्ट्रक्चर कह इंग्लिश के पेरों सब्जेक्ट रखा असा वर्ब रखा रखा ऑब्जेक्ट रखा ठीक है। हाँ सब्जेक्ट की जगह से को सिंगुलर नाउन थी सके तो प्लूरल नाउन थी सके तो ठीक है सिंगुलर प्रोनाउन थी सके तो प्लूरल प्रोनाउन थी सके तो हाँ इन के हिसाब से जो वर्ब लग दो ठीक है सिंग अच्छा सब्जेक्ट असो को फ्रेज भी थी सके तो ठीक है क्लास भी थी सके तो ठीक है को जुमलो भी थी सके तो या का कहावत थी सके थी कोट थी सके थी इन जो मुख्तलिफ़ वर्ब्स की अग्रीमेंट होंगी वह कें थी ठीक है। इन में ऑब्जेक्ट जो कोई भी माना डे वठना है ठीक है। हाँ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जहाँ टोटल 12 रूल्स हैं ठीक है 12 रूल्स जो तुम क्लियर कौ तो आई अश्योर यू तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट वो सवाल माना अखे बूट हल जैमें तुम्हें बुधा छा मिसाल तौर पर असो खूँ था सब्जेक्ट रखूँ था नाउन आ कोई भी मिसाल तौर पर सब वर्ब बढ़ूँ ठीक है। असो असूल यो जर अस नाउन से गुड एस लगती तो वर्ब से गुड एस न लगती है ठीक है। जैसे नाउन से एस न लगती तो वर्ब से गुड एस लगती मिसाल तौर पर पेन राइट्स वेल पेन राइट्स वेल हाँ नाउन आने अस एस को लगो तो असमें जो सो ये अस क्रॉस क्या तो में एस को अस राइट में एस सही से ठीक है। हाँ जैसे अस में एस हणंदे पेन्स राइट वेल तो इन मो असरे एस सही से इन में अस एस न हणंदा यो असो असूल है माना सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट अस इतने शो कर उनका एर डिटेक्शन रूल्स ए ट्रिक्स हूँ एर डिटेक्शन में तक मतलब तकरीबन 8 शिणी होंदियों तक सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट ऐसा होंगे जो क्लियर कराइंदुम बो प्रोनाउंस की बीहक होंगी मुख्तलिफ़ प्रोनाउंस रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कुछ वर्ब्स हूँ जिसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस लगना जी एंजॉय से हमेशा इंजॉय हो अवेल हो ठीक है अवेल से गुड हमेशा बिन्हीं से लगन माय सेल्फ लगन ठीक है माय सेल्फ लगन उनका आर्टिकल्स की असो यूजेज हों आर्टिकल्स की मिसाल तौर पर ब शूँ होंद ठीक है। एक हों एडिशन एडिशन यानि कि माना सब माना जो बो हों ओमिशन सबमिशन ए ओमिशन ओमिशन माना असा किथे आर्टिकल्स नथा हणी सकूँ ठीक है मुख्तलिफ़ असा तरीक़ेकार पढ़ता से टेंसिस उनमें सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट्स या नॉन वर्ब्स वगैरह अची वो उनमें हाँ चवे असा सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंस स्ट्रक्चर में बुधा सब्जेक्ट की जगह से कोई या तो फ्रेज थी सके तो ठीक है या फ्रेज थी सके तो या कोई क्लास थी सके तो अच्छा क्ले क्लास ए फ्रेज जहाँ जो वर्ब हों हमेशा छा लगन सिंगुलर लगन ये शूँ असा दिसदासी मिसाल तौर सेंटेंस स्ट्रक्चर मिसाल तौर पर जुमलो बुधा तो फॉर एग्जाम्पल थ्रू दी फॉरेस्ट इज़ द क्विकेस्ट वे माना फॉरेस्ट जे माना जो रस्त वे तो वो तमाम तेज शॉर्ट रस्त आ ठीक है। इनके हाँ ऐसो थ्रू द फॉरेस्ट हाँ पूरा सब्जेक्ट आज़ छो तो चार ऐसो टे लफ्ज़ अच्छी सब्जेक्ट में भी असा छो तो ये अस वर्ब अग्रीमेंट में अचे तो ठीक है। उनका अस आर्टिकल्स में तक बुधा छोड़ो एक्टिव ए पैसिव अस खास तौर पर कहे एक्सेप्शनल केसिस असो एस टी एस एच एस टी एस टी एस की जॉब ला एस एस टी जॉब ला खा एक्सेप्शनल केस खासी मिसाल तौर पर ठीक है एक्सेप्शनल केस जी मिसाल तौर पर तुम बुधा बबा फॉर एग्जाम्पल बुधा हनी टेस्ट स्वीट माना हनी जो जायको वो तमाम मिठो आ तो इनको कें माना हनी इज़ स्वीट वैन टेस्टेड फॉर एग्जाम्पल तुदा नरेशन जहाँ असूल अस बायदगी से क्लियर कहे प्रिपोजिशन इन डिटेल ऐसो प्रिपोजिशन से कई भी माना असो सो कॉम्प्रोमाइज ना प्रिपोजिशन की मिसाल तौर पर मेन कैटेगरी में टे किस्म ठीक है। एक प्रिपोजिशन ऑफ टाइम हूँ ठीक है जैमें इन ऑन एट आफ्टर सॉरी इन ऑन एट आफ्टर बिफोर अराउंड थ्रू आउट अबाउट अंटिल ये टाइम जी बी प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस हूँ उनके असर क्लियर कहे जी ऑन आ इन आ एट आ अंडर आ ओवर आ बेलो आ बिहाइंड आ ये भी क्लियर कहे प्रिपोजिशन कुछ हूँ मूवमेंट जहाँ अक्रॉस आ थ्रू आ मूवमेंट ठीक है।
इनमें कुछ अक्रॉस जो सो थ्रू आउट इन टू अप डाउन ठीक है। हाँ पोसा फिक्स्ड प्रीपोजिशन भी पढ़ता जी फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है ना फिक्स्ड प्रीपोजिशन फ्रेजल वर्ब्स भी पढ़ता है ठीक है। फ्रेजल वर्ब्स भी जी फ्रेजल वर्ब्स की इंपॉर्टेंस क्या होंगी मिसाल तौर तो कोई भी वर्ड है ना ब्रेक से ब्रेक असो वर्ड है ब्रेक से काफ़ी असा फ्रेजल वर्ब्स लगी सकता ठीक है। मतलब ये सब प्रीपोजिशन जो क्लास होंगे ब्रेक से अप भी लगता है ब्रेक से इन टू भी लगता है ब्रेक से ऑफ भी लगता है ब्रेक से अप ब्रेक ब्रेक अप थी ब्रेक इन टू थी ब्रेक ऑफ थी ब्रेक ब्रेक अवे भी थी माना ठीक है तालुक खत्म कर ब्रेक अवे ये शूँ असा प्रीपोजिशन में भी डिटेल में क्लियर करना स्पेलिंग सेक्शन है पेयर ऑफ वर्ड्स खास असा वर्ड लेक्चर मौजूद है जो असाधिक आसानी कर दींदे ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में तक बुधा जे भी एरर्स माना नाउन में हो प्रोनाउन में वर्ब एड वर्ड एडजेक्टिव सजा तक क्लियर थी इंशाल्लाह। वर्ड आइडेंटिफिकेशन जो मिसाल तो कोई भी वर्ड आ वो नाउन आ वर्ब एडजेक्टिव वो तुम उनके क्लियर कर सको जी एस एस टी एस एस टी की जॉब्स लाइ तमाम अहम जरूरी है। तो दोस्तों असान काफ़ी सारी प्रैक्टिस भी कहे असाँ दरख्वास्त भी कहते एडमिशन वो इंशाल्लाह यू विल इम्प्रूव अलॉट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।